नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। आज की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत। ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्थापना एवं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर निकाली गई नगर में बाइक रैली हनुमान धारा मंदिर से स्टेशन शंकर जी के मंदिर पर समाप्त हुई। जिला अध्यक्ष मुगल किशोर सोनी, जिला सिंह संयोजक रमन सरदार, नगर संयोजक संजय सेन, विश्व हिंदू परिषद नगम अध्यक्ष सोनू पाठक, राम गोपाल, नामदेव सैलन सिंह बुंदेला, कार्तिक कसोरिया, चैन सिंह, जीतू राजा, रामेश्वर मालवीय, महंत गोपी दास जी महाराज, महंत त्याग जी महाराज, लोकपाल सिंह परमार, आदर्श कुशवाहा, आकाश सेन। ललितपुर से अमन सेन की रिपोर्ट। धन्यवाद। स्थापना दिवस पर यह आयोजन ललितपुर में किया है। सर्वप्रथम हम लोगों ने हनुमान धारा मंदिर पर बैठक की। वहाँ वक्ताओं ने अपने अपने विश्व हिंदू परिषद का क्या उद्देश्य गठन करने का है, किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है, बजरंग दल को किस उद्देश्य से बनाया गया है, मात्र सर्वी दुर्गा बाहरी किस उद्देश्य से बनाया गया है, इस पर विस्तृत रूप से सभी वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। उसके पश्चात हम लोगों ने सनातनी हिंदू मर्यादाओं का पालन करते हुए एक वाहन रैली का आयोजन किया है, जिसको हनुमान धारा से प्रारंभ करके यहाँ शंकर जी के मंदिर पर सोन मंदिर पर समापन किया। और विश्व कल्याण की कामना करते हुए आगे भी हम ऐसे सनातनी कार्य करते रहेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ सभी देशवासियों को, जनपदवासियों को जन्माष्टमी के पर्व पर पावन पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।